राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिले के नंदनगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी गीतिका शर्मा द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्लास्टिक मुक्त अभियान, पेड़ों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। क्या कुछ कहना था जिला अधिकारी गीतिका शर्मा का, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो पेपर प्रोडक्ट रिसाइकल प्लास्टिक, इनसे को तरह तरह के यूजेबल आइटम्स बनाते हैं, क्योंकि जब पहली जुलाई से प्लास्टिक आइटम्स, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर जब प्रतिबंध लग जाएगा, तब हमें वापस जो हमारे नेचुरल आइटम्स हैं उन पर आना पड़ेगा। सभी से, सारी जनता से यही निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को अभी से यूज करना बंद करें और पेपर और रिसाइकल्ड प्लास्टिक, इनके आइटम्स, मिट्टी से बने बर्तन आज यहाँ पर रखे हैं जो हमारे कुम्हार हैं, उनके भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी हुई है। तो कुल्हड़ जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है भारतवर्ष का, और मिट्टी के बर्तन, ग्लास, उनको हम अपने डेली उपयोग में लाएं और प्लास्टिक का सहारा हम लेना आज से ही बंद करें। हमारा पर्यावरण जिससे क्लीन हो, ग्रीन हो, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक तो बहुत ही अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट दे सकें। जिस तरीके से आपने मुआयना किया, तो आपको कौन सा बेस्ट चीज़ में? सभी कुछ बहुत अच्छा है, सभी निराला है, सभी लोगों ने बहुत अपने मन से इन प्रोडक्ट्स को बनाया है। वो जैसे ऊपर वाला ही कहता कि ये मेरा सबसे अच्छा बाशिंदा है, ऐसे ही सभी अपने में यूनिक है, बहुत ही अच्छे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से प्लास्टिक ज़्यादा यूज होता है, तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का सबसे ज़्यादा स्टेक है आने वाले कल में, क्योंकि हमारे युवा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ही को कल अच्छे अच्छे पदों पर आना है, और अभी बड़े होने के नाते मैं ये समझती हूँ हमारा पर्यावरण दूषित है, उससे बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, पानी भी दूषित तो हो चुका है। कम से कम हमारी युवा पीढ़ी ये गलतियाँ ना दोहराएं जो हम लोगों ने करी। मैम, बहुत सी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रही है, जबकि वहाँ पर कैरी बैग इस्तेमाल करने अनिवार्य है, लेकिन वो बावजूद उसके फिर भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई है? अभी हमने इनको आइडेंटिफाई किया है आदेश अनुसार, और पहली जुलाई से इन पर पेनल्टी लगेगी, और उनका जो ट्रेड लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910411832।
आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।